हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चिकन की एक ऐसी रेसिपी जिसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं या अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन। इसे मैंने 15 मिनट्स धो करके रख दिया था जिससे इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, कुछ हरी मिर्ची 3 या 4, और टमाटर 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने। अगर छोटे टमाटर हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और टमाटर को मैंने कट करके ब्लेंडर में डाल दिया है क्योंकि मुझे चिकन के लिए टोमेटो प्यूरी की ज़रूरत है। तो टमाटर को हम ब्लेंड करके प्यूरी में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने पैन में ऑयल को हीट कर लिया है और उसमें मैं प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज को मुझे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गोल्डन फ्राई होने के बाद मैं अपने चिकन के पीसेस इसमें डाल दूंगी और थोड़ी देर तक के चिकन को फ्राई करूंगी। चिकन को मैं थोड़ा सा वाइट हो जाने तक फ्राई करूंगी। तो चिकन के कुछ इस तरह से वाइट हो जाने पर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई करूंगी जिससे कि साथ में डाले गए मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको मेरी ये रेसिपीज़ मिलती रहें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक करके 5 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी। एक बॉईल आने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। 10 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद हमारा चिकन रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं इसे गार्निश करूंगी थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर के साथ। अब आप इसको चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ, ये दोनों में ही बहुत टेस्टी लगे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।